हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचन प्रिज्म। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेल के शरबत की रेसिपी। बेल को हम वुड एप्पल भी बोलते हैं। बेल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बेल ले लिया है, इसे थोड़ा सा स्लेब पे क्रैक कर लिया है जिससे ये आसानी से टूट जाए। और ये जो इसका मोटा शेल है ऊपर थोड़ा लकड़ी जैसा होता है, उसको निकाल लेंगे और इससे एक चम्मच की मदद से इसका जो पल्प है वो स्कूप कर लेंगे। शंकर भगवान का ये पसंदीदा फल गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपने ये बेल का शरबत कभी भी नहीं ट्राई करा हो तो आप इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी बेल के शरबत की, और ये बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए, मैं सारा जो पल्प है वो चम्मच की मदद से स्कूप कर लूँगी। अब मैंने सारा पल्प निकाल लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और ये जो पल्प है इसे हम मैश कर लेंगे। बेल ना सिर्फ शरीर को कूल रखने में मदद करता है, साथ ही साथ पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। इस पल्प को हम मैश करते रहेंगे अच्छे से, हमें इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लूँगी। इसका पल्प थोड़ा सा अच्छे से छान लेंगे जिससे सारा जूस निकल आए। रोड साइड पे आपने बेल का शरबत मिलते हुए तो बहुत देखा होगा, एक बार इसे घर पर भी बना के ट्राई करिए। पेट के लिए तो बेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज़्यादातर लोग तो बेल का शरबत ही पीते हैं, पर अगर आप चाहें तो बेल का जो पल्प, जो गूदा है, वो भी आप खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने पल्प को अच्छे से छान लिया था। इसका जो पल्प था जिससे मैंने सारा जूस निकाल लिया, तो उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कप चीनी ली है, इसमें मैं डालूँगी पानी और इसे हम घोल लेंगे। इसे हम डिसॉल्व कर लेंगे जब तक शुगर्स के क्रिस्टल सारे पानी में अच्छे से घुल ना जाएं। और आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पानी में घुल गई है। अब हम चीनी के पानी को इस बेल के शरबत में, बेल का जो जूस हमने निकाला था उसमें डाल देंगे। पेट में अल्सर की समस्या से ग्रस्त होने पर बेल का सेवन करने में भी लाभ होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तब भी आप बेल के शरबत का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती हैं। अब ये जो चीनी का घोल मैंने बनाया था और ये जो बेल का जूस है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़े थोड़े आइस क्यूब्स डालूँगी जिससे ये बेल का जो शरबत है वो ठंडा ठंडा हो जाए। बेल कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बेल हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने के अलावा भी हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करने में मदद करता है। और ये देखिए, हमारा बेल का शरबत बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग भी ये बेल का शरबत बना के गर्मियों में पिएँ और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसे ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करिए, इसमें आप आइस क्यूब्स डालिए। इसके ऊपर आप भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और मिंट लीव से इसे गार्निश करें और इसे एंजॉय करिए। तो इस गर्मी ये बेल का शरबत यानी कि वुड एप्पल का शरबत बनाकर ट्राई करिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।